न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए बेटर की टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो देखो, बेटर का रोल मैं पहले आपको समझा देता हूँ। तो जो बेटर होगा उसकी डेड बॉडी जिसने भी रिपोर्ट की होगी वही उसका किलर होगा, यानी कि वही इम्पोस्टर होगा, उसने ही उसको मारा होगा। जो भी बेटर को मारेगा उसकी डेड बॉडी ऑटोमेटिकली एक सेकंड के अंदर रिपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा पर्पल ने ब्लू को मार दिया और तुरंत बॉडी रिपोर्ट हो गई, क्योंकि ब्लू बेटर था तो यहाँ पे पर्पल इम्पोस्टर निकला। तो बस इतना याद रखिएगा कि जो भी बेटर की बॉडी रिपोर्ट करता है वही उसका किलर होता है। देखो, बेटर और ग्रीन्स दोनों एक जैसे ही है, दोनों ही इम्पोस्टर को पकड़वाते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना है कि बेटर मर के इम्पोस्टर को पकड़वाता है और जो ग्रीन्स होता है वो जिंदा रह के इम्पोस्टर को पकड़वाता है। दोनों रोल का काम एक जैसा ही है। ग्रीन्स और बेटर इम्पोस्टर की गर्लफ्रेंड समझ लीजिए, जैसे गर्लफ्रेंड आप सबका काट के चली जाती है वैसे ही ग्रीन्स और बेटर इम्पोस्टर का काट के चले जाते हैं। अरे यहाँ पे मैं कोई और ही लाइन में चला गया, मेरे मुंह से निकल गई। चलो फिर से बैक टू वीडियो आते हैं। देखो, बेटर को ना कोई भी वेंट में छुपा होता है वो दिखता है, लेकिन कौन छुपा होता है वो नहीं पता। बस उसको वो ड्रैगन वाली आई दिखती है कि हाँ वेंट के अंदर कोई छुपा होता है। तो ये बेटर का रोल है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँ कि भाई ऐसे भी रोल है जो बेटर को भी काट के चले जाते हैं और उसकी बॉडी भी रिपोर्ट नहीं हो जाती। तो ऐसे भी कौन से इम्पोस्टर है तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। देखो, बेटर में सबसे पहला काम होता है या पहली टिप यही होती है कि जब भी इलेक्टर का सेमोटास होता है ना तो आपको ही फिक्स करने जाना है, ठीक है? क्योंकि जो इम्पोस्टर होगा वो वहाँ पर मारने आएगा और वो आपको मारेगा तो वो बॉडी रिपोर्ट हो जाएगी और एक इम्पोस्टर पकड़ा जाएगा। दूसरी टिप यही है कि भाई आपको पूरी गेम इलेक्ट्रिक में ही रहना है। जैसे ही लाइट ऑफ होगी आप तुरंत लाइट ऑन कर देना, तो जो भी इम्पोस्टर होंगे वो लाइट ऑफ करके मारना चाहेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो इससे आप स्पेशल क्रोल को और स्पेशल को काफ़ी अच्छी हेल्प कर देंगे। तो इसीलिए पूरी गेम आप इलेक्ट्रिक में रह सकते हैं, आपको मिशन नहीं करना, क्योंकि आप मरने के बाद भी मिशन ऑटो टास्क पे कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक का सेबोटास आपको ही फिक्स करना है जब भी आप बेटर बने हो। तो दूसरी टिप ये है कि जब भी ऑटो का सेबोटास उठा है तो आपको ना ठीक करने के लिए एडमिन में नहीं जाना, आपको ना ऊपर वाले ऑटो में ठीक करने जाना है, क्योंकि ज़्यादातर इम्पोस्टर वहीं किल करते हैं। तो जो इम्पोस्टर होगा वो आपको मारने आएगा और आप बेटर है तो आपको जैसे ही वो मारेगा आपकी बॉडी तुरंत रिपोर्ट हो जाएगी और आपकी जो भी बॉडी रिपोर्ट करेगा वही इम्पोस्टर होगा। तो यहाँ पे देखो, ग्रीन ने मेरे को काट लिया और मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो गई। तो यहाँ पे ग्रीन एक इम्पोस्टर था वो पकड़ा गया है, अब एक इम्पोस्टर ही बचेगा गेम में और एक इम्पोस्टर से गेम निकालना बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रीन को वोट आउट कर दिया क्योंकि ग्रीन ने मेरी डेड बॉडी रिपोर्ट की थी और मैं बेटर था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बेटर का रोल कैसे काम करता है। तीसरी टिप ये है कि भाई आपको जिस पे भी डाउट हो ना तो उसको ना पूरा भगाएगा, उसे पूरा दौड़ाएगा पूरी गेम में, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा वो कर क्या रहा है। तो यहाँ पर मेरे को ग्रीन पे डाउट था तो मैं यहाँ पे ग्रीन को पूरा दौड़ा रहा हूँ ताकि ग्रीन अगर मेरे को ट्रिगर होके मार दे तो मेरी बॉडी भी ऑटोमेटिकली वही रिपोर्ट कर देगा और सब लोग उसको वोट आउट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं ग्रीन से पूरा चिपक रहा हूँ ताकि वो मेरे को मार दे, लेकिन यहाँ पे जो व्हाइट बाइट है ना वो थोड़ा नूब आए थे, वो ना वो भी बीच में आ रहे थे। अबे वहाँ पे ग्रीन उसको काट के फेंक देता ना तो व्हाइट को पता भी नहीं चलता। वो तो अच्छा हुआ कि मैं ग्रीन से चिपका हुआ था और ग्रीन ने मेरे को ही मारा और तुरंत बॉडी रिपोर्ट हो गई। तो जो भी बेटर की बॉडी रिपोर्ट करता है वही उसका किलर होता है। तो यहाँ पे मेरे को ग्रीन ने मारा था तो मेरी बॉडी ग्रीन ने ही रिपोर्ट की थी, तो यहाँ पे इन लोगों ने ग्रीन को निकाल लिया। चौथी टिप्स है कि जब भी गेम में ब्लैक जैक आता है तब आप अपना रोल बेटर का बोल नहीं सकते, क्योंकि वो मीटिंग में गेस करके मार देगा आपको। तो वो गेम में ना आपको ना कैफेटेरिया में शुरू में खड़े रहना है ताकि जो इम्पोस्टर होगा वो आपको लाइट ऑफ करके मार देगा और इतनी जल्दी लाइट ऑफ होकर आपकी डेड बॉडी रिपोर्ट हो जाएगी तो सभी को लगेगा कि ये बेटर के लिए है। या तो फिर आप सीसीटीवी रूम में चले जाइए, वहाँ पर देखिएगा, कैमरा झाँकेगा कि कोई वेंट कर लेता है या कैमरा के सामने सामने कोई मार देता है। तो यहाँ पे देखिए, मेडवे की वेंट में कोई छुपा हुआ है, लेकिन कौन छुपा हुआ है वो आपको पता नहीं है। तो उसे कैसे पता करना है वो मैं आपको अब टिप्स दूंगा। तो देखो, यहाँ से मैं जा रहा था तो वेंट में कोई छुपा हुआ था, तो मैं ना वहाँ पे खड़े रह जाता हूँ और उसे इमोट दिखाता हूँ। आपको तब तक खड़े रहना है जब तक कोई मीटिंग नहीं बोला जाता या फिर किसी की डेड बॉडी रिपोर्ट नहीं हो जाती, और आपको उसी वेंट के ऊपर खड़े रहना है जिस वेंट के अंदर आपको ये ड्रैगन वाली आँखें दिखाई दे रही होगी। तो अब आप चैट में यहाँ पे देखेंगे तो मेरी ऑटो चैट में यहाँ पे लिखा हो रहा है कि आई वॉज विथ गोल्डन, तो जो वेंट में होगा वो 100% गोल्डन ही छुपा हुआ था, क्योंकि मेरे आसपास तो कोई नहीं था, सिर्फ वेंट के अंदर ही एक बंदा छुपा हुआ था तो वो गोल्डन था। तो आप ऐसे करके आप वेंट में ईजी छुपे हुए बंदों को पकड़ सकते हैं। तो चलो मैं आपको वो रोल्स बताते हूँ कि जो बेटर को भी काट के चले जाते हैं तो बेटर की बॉडी रिपोर्ट नहीं होती। तो ऐसे भी गेम में रोल है जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे तो मैं आपको वो बताता हूँ।
तो सबसे पहला रोल है कंजूरर का। अगर कंजूरर बेटर को कर्ज दे दे तो बेटर की बॉडी वहाँ पे रिपोर्ट नहीं होगी। दूसरा रोल है यहाँ पे हमारा फ्लैश बैंक का। अगर फ्लैश बैंक फ्लैश करके बेटर को मार देगा तो वहाँ पे बेटर अंधा हो जाएगा, तो उसकी बॉडी रिपोर्ट नहीं होगी। तीसरा रोल है हमारा जेनिटर का। जेनिटर जैसे ही बेटर को मार के बॉडी साफ कर देगा तो भी बेटर की बॉडी वहाँ पे रिपोर्ट नहीं होगी। और चौथा इम्पोस्टर है वो हमारा पपेटर है। पपेटर किसी को पपेट करके बेटर को मार देगा तो भी उसकी बॉडी वहाँ पे रिपोर्ट नहीं होगी। तो मैंने आपको ये चार इम्पोस्टर बताए हैं, वो चारों के चारों इम्पोस्टर में आपको उसकी एबिलिटी में बेटर को मारना होगा, आपको नॉर्मल किल नहीं करने हैं। अगर आप नॉर्मल किल करने जाएंगे तो आप बेटर की बॉडी खुद रिपोर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ये चार रोल में अगर आप एबिलिटीज में बेटर को मारेंगे तो बेटर की बॉडी रिपोर्ट नहीं होगी। पांचवा रोल है वो हमारा न्यूट्रल का है और वो रोल है ग्लूटोनी का। ग्लूटोनी अगर बेटर को कच्चा चबा के खा जाएगा तो भी उसकी बॉडी रिपोर्ट नहीं होगी। तो अभी आपको मैंने जो पांच रोल बताए हैं वो बेटर का रोल भी फेल कर देते हैं। तो एक बात हमेशा ये याद रखना कि मैंने जितने भी रोल बोले हैं उसमें आपको बेटर को उसकी एबिलिटीज में किल करना है। अगर आप नॉर्मल किल करने जाएंगे तो आपको बेटर बेट कर देगा, तो बेटर को कैसे काउंटर करना है वो आपको आज नया सीखने को मिला होगा। ये बात आपको किसी भी यूट्यूबर के वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने आपको बताई है। तो आई होप गाइस आपको बेटर की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें अपने सुपर सस दोस्तों को ताकि उन्हें भी पता चले। तो मिलता है गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय। We will not fear the puny impostor.